जिस तरह से कल रात 12 बजे से लेकर आपको बता दें कि 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा झारखंड में, एहतियात बरत रही है सरकार और ऐसे में लोगों से अपील है कि लोग अपना बचाव खुद करें, जो जरूरी एहतियात बरतने हैं वो बिल्कुल बरतें, क्योंकि सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इस वायरस से बच भी सकते हैं। और इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची के सीनियर SP अनीश गुप्ता, उनसे सीधे कुछ सवाल है न्यूज 11 भारत के, वो सीधा पूछेंगे। अनीश गुप्ता जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि लॉकडाउन के बाद अभी भी हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं बहुत ज्यादा जागरूक नहीं दिख रहे हैं, हालांकि पुलिस जो है वो सड़कों पर उतरकर लोगों को जरूर जागरूक कर रही है, लेकिन इसके अलावा सड़कों पर या ऐसी खास जगह है जहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रही है, किस तरह से लोगों को हिदायत आप लोग दे रहे हैं? देखिए, ये पहले तो धन्यवाद। सबसे ज़्यादा इस पे लोगों को ये जानना आवश्यक है कि कोरोना वायरस का संक्रमण भीड़भाड़ वाले इलाकों में या सस्पेक्ट या अफेक्टेड आदमी के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि अनावश्यक लोग रोड्स पे या भीड़भाड़ वाले इलाकों में या पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं। जैसे जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं हैं, दवाइयां हैं या राशन की चीजें हैं, एसेंशियल सर्विसेज को मुक्त रखा गया है इससे, तो वहां पे भी यदि लोग जाते हैं तो दूरी बना के रखें, कम से कम 1 मीटर 2 मीटर की दूरी बना के रखें। और जो एहतियात बरतने का लोगों को बार बार WHO के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनका सख्ती से अनुपालन करें। लेकिन अनीश गुप्ता जी, हमने ये देखा कि लगातार उन दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लोगों को जरूरी एहतियात बरतने के लिए जो जानकारियां हैं वो दे दी गई हैं, उसके बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं गुट बनाकर खड़े हैं, ऑटो रिक्शा भी हमने देखा, या फिर बात रांची की करें या जमशेदपुर की करें, धनबाद की कर लें या फिर रामगढ़ की कर लें, लगातार हम सुबह से अपडेट दिखा रहे हैं हर जिले की, कई ऐसे बसेस हैं, कई ऐसी गाड़ियां हैं जो अभी भी उनका परिचालन पूरी तरह से चल रहा है, लोग सब्जी मंडी में भी लोग भीड़ जमा करके खड़े हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों के बीच लोग पैनिक भी हो रहे हैं? इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है जी। सरकार और जिला प्रशासन आपके सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। इसीलिए हमारे जितने भी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, ट्रैफिक पोस्ट्स हैं, और ट्रैफिक पोस्ट्स पे जो माइक लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं उनके माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। यदि आपको इमरजेंसी में आवश्यक वस्तु के संग्रह के लिए आपको आना भी पड़ रहा है तो जो एहतियात बरतने की आवश्यकता है उसका जरूर अनुपालन करें। इसी के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और ज्यादा जागरूकता होने से ये स्वतः लोगों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन अनीश जी, हमने देखा सुबह से जैसा कि खबरें न्यूज 11 भारत भी दिखा रहा है, तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि लोगों को लग रहा है कि अब घर में रहना है, लोग घर में कैद हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जरूरी जो सामान है आप वो खरीद लें, अगर आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है जैसा आप भी बता रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं पैनिक है, वो डरे हुए हैं। सब्जी मंडियों में देख रही हूं कि लोगों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लोगों को लग रहा है कि कब बाजार बंद हो जाए, कब उन्हें जरूरी चीजें मिलनी बंद हो जाए, उससे पहले ही वो अपने घरों में जरूरी सामान स्टॉक कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे मेडिकल शॉप्स हैं या किराना दुकान है या रोजमर्रा की जरूरतों की आवश्यक चीजें हैं, वो दुकानों को अभी बंद नहीं किया गया है, लेकिन उसमें आवश्यक यह है कि लोग ज्यादा संख्या में ना निकले और उसमें बहुत ज्यादा पैनिक भी ना करें। ये शॉप्स जो है या जो इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे LPG सिलेंडर्स हैं, तो उसके किसी तरह से सप्लाई पे या उसके प्रोक्योरमेंट पे रोक नहीं लगी हुई है। लेकिन अनीश जी, ये भी जानना चाहेंगे जागरूकता के लिए क्या कुछ आप लोगों के तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है लॉकडाउन हो गया लेकिन इसके नियमों से वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं नजर आ रहे हैं।
देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। आप जितने भी लोग रोड पे हैं, यदि बहुत इमरजेंसी है, आवश्यकता है, आवश्यक वस्तुओं के खरीदारी की जरूरत है, तभी घर से निकलें। इसके लिए हम लोग अपने स्तर से लगातार सभी जो इम्पोर्टेंट हाट जी बाजार हैं या मार्केट प्लेसेस हैं, जी जैसे सब्जी मंडी है या ऐसे शॉपिंग एरियाज हैं जहां पे ज्यादा संख्या में दुकानें हैं, वहां पे माइकिंग करवा रहे हैं। वहां पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं किस तरह से उनको इसके संक्रमण से बचना होगा। और दूसरा, जो हमारे ट्रैफिक के यातायात के पोस्ट्स हैं, वहां पे जो लाउडस्पीकर्स अवेलेबल है जिससे ट्रैफिक के संबंधित जरूरी जानकारियां दी जाती हैं, वहां पे भी लोगों को ये एक आवश्यक जानकारी कोरोना वायरस COVID-19 के संबंध में दी जा रही है। अनिश जी, एक सवाल और। ये हमने देखा कि आज सुबह जब लोग अपने घरों से निकले, बाजार में पहुंचे, सब्जी मंडी में पहुंचे, सब्जी खरीद रहे थे, तो एक सूचना बार बार ये मिली कि अपने सब्जी के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग स्टोर में जा रहे खरीदें, तो मनमाने दामों में उसे बेचा जा रहा है बाजार में। जो चीज वहां पे 10 रुपए में मिल रही है उसे 2 से 3 गुना बढ़ाकर खरीदा जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से नकेल कसने के लिए ऐसे लोगों पर आप लोग अब फिलहाल तत्काल करेंगे? देखिए, इस पे लगातार निगरानी रखी जा रही है। हमारा जो 100 नंबर है वो एक्टिव है। यदि किसी दुकानदार की, किसी व्यक्ति की शिकायत आती है कि वो बढ़े हुए दामों में आवश्यक वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो उनपे असेंशियल कमोडिटीज एक्ट IPC की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, कार्रवाई हो सकती है। और इसमें लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जी आप इसकी सूचना प्रशासन को, पुलिस को अवश्य दें। चलिए, अनीश गुप्ता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत और शुक्रिया। तो सीनियर SP अनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार उन्होंने बताया है कि लोग पैनिक ना हो, डरे नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। लोग अपने घरों से निकले लेकिन तब निकले जब जरूरी कुछ काम हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना रहे। हालांकि बसेस का परिचालन पूरी तरह से ठप है, ऑटोज नहीं चल रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आप कहीं ना जाएं, ज्यादा से ज्यादा वक्त घरों में बिताएं।